आज फिरोजाबाद नगर निगम द्वारा आसफाबाद बिजली घर सर्विस रोड नाले की सफाई व्यवस्था और नगरीय क्षेत्र में जल निगम द्वारा सीवर लाइन विस्तार हेतु की जा रही रोड कटिंग के संबंध में नगर निगम उत्तर प्रदेश जल निगम एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महापौर नूतन राठौर द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे आसफाबाद चौराहे से बिजली घर तक एक समुचित दूरी पर नाले में मेन होल बनाकर दें ताकि उस मेन होल के माध्यम से नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा नाले की सफाई व्यवस्था कराई जा सके। इसके साथ साथ महापौर और नगर आयुक्त घनश्याम मीणा द्वारा सीवर लाइन की प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तावित स्थानों की सूची भी मांगी गई और पूछा गया कि अब तक कितने स्थलों पर रोड कटिंग कराकर सीवर लाइन डाल चुके हैं और कितने स्थलों पर सीवर लाइन का डाला जाना शेष है, क्योंकि इस कारण नगर निगम द्वारा बनाई गई सड़कों को सीवर लाइन के चलते जल निगम द्वारा तोड़ दिया जाता है, जिससे जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। कई जगह तो ऐसा भी पाया गया है कि जहां नगर निगम द्वारा सड़क बनाई गई और कुछ ही दिनों में जल निगम द्वारा सड़क को तोड़ दिया गया। इस पूरी बैठक के दौरान नगर आयुक्त भी जल निगम के अधिकारियों पर काफी नाराज दिखाई दिए, क्योंकि जल निगम के अधिकारी मीटिंग में मांगी गई सूचना रिपोर्ट के बिना ही उपस्थित हुए और बैठक को भी गंभीरता से नहीं लेते दिखे। क्या सोचा था मीटिंग में क्यों जा रहे? क्या सोच के आए? क्या सोच के आए? आपको तो ये सोचना चाहिए, मुझे अपने पूरे लिस्ट ले जानी चाहिए, क्या काम मैंने किया, क्या रह गया, कितना चढ़ना था। इस पूरे प्रकरण को देखकर नगर आयुक्त द्वारा महाप्रबंधक जलकल को निर्देशित किया गया कि वह सोमवार को पुनः बैठक रखें और पूर्ण सूचना उपलब्ध कराएं। साथ ही जल निगम अथवा अन्य किसी भी कार्यदायी संस्था के द्वारा बिना अनुमति तथा एनओसी के शहरीय नगरीय क्षेत्र में कहीं भी रोड कटिंग न की जाए। देखिए, आज नगर निगम में मेरे कार्यालय में नगर आयुक्त भी रहे और नगर निगम के निर्माण विभाग के अधिकारी, साथ ही शहर के विभिन्न वार्डों में जो सीवर की पाइपलाइन डाली जा रही है तो उनसे संबंधित अधिकारियों को भी आज इस बैठक में बुलाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सीवर की पाइपलाइन डल रही है जल निगम के माध्यम से, और कई बार मीडिया के माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बनी हुई सड़कें, जो हाल ही में नगर निगम ने 6 महीने पूर्व भी कोई गली बनाई है, उन गलियों को तोड़कर सीवर की पाइपलाइन डाली जा रही है। तो इसी वजह से आज ये अति आवश्यक बैठक बुलाई गई है निर्माण विभाग की, और सीवर लाइन पाइपलाइन डालने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, ताकि एक आपस में कोऑर्डिनेशन पहले स्थापित करें कि अगर जल निगम को कहीं सीवर की पाइपलाइन डालनी है तो उसके लिए एक एनओसी पहले तो नगर निगम से लें, एनओसी लेने के उपरांत ही वहाँ पर काम लगाएं। ऐसा नहीं है कि आप जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो जा रहे हैं अपनी मन मर्जी से गलत तरीके से सड़कों को खोदने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकारी पैसे का नुकसान हो रहा है। कोई गली बनाई जा रही है, अगर उससे पूर्व हमें सूचना मिल जाएगी अगर वहाँ पर सीवर लाइन डाली जानी है तो उसमें हम अपना काम थोड़ा सा रोककर सीवर लाइन डलवाकर तब अपनी सड़क बनाएंगे।